दोस्तों, जैसा कि आपके मालूम है कि रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है, तो अगर आप रमज़ान मुबारक के रिलेटेड डीपीस बनाना चाहते हैं या वॉलपेपर बनाना चाहते हैं, इसके अलावा सहरी और अफ्तारी का वक्त जानना चाहते हैं और रमज़ान मुबारक में कौन कौन सी दुआएं पढ़नी है वो अगर आप जानना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको 5 एप्लीकेशन बताऊँगा जो कि हैं बहुत यूज़फुल और बहुत ही मज़े के एप्लीकेशन हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो एप्लीकेशन क्या है, तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरा नाम है तैमूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीजी मलिक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक के रिलेटेड 5 अमेजिंग ऐप जो कि हैं बहुत मज़े की। तो चलिए फिर उन एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एप्लीकेशन है माई रमज़ान प्लानर, तो इसको आप प्ले स्टोर से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐप स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अपने से ओपन कर लेना। तो चलिए फिर मैं इसको ओपन करता हूं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहां आपको तमाम डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। यहां से आप रमज़ान वगैरह उसके टाइम वगैरह, नमाज़ों का टाइम वगैरह देख सकते हैं। उसके अलावा सहरी और अफ्तारी का आप टाइम वगैरह देख सकते हैं। कुरान मजीद आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको या आप अपना मुहासबा भी कर सकते हैं, यानी आपने आज कितना कुरान पढ़ा, उसके अलावा आपने तिलावत की, उसके बाद आपने इसको इज़्कार किया या नमाज़ें आपने कितनी पढ़ी, वो सब आप यहाँ से अपना रिपोर्ट वगैरह यानी कि आप अपनी रख सकते हैं कि आज के दिन आपने कितना कुरान मजीद पढ़ा। उसके अलावा आपने आपको यहाँ क्विज़ वगैरह भी मिल जाएंगे, क्विज़ ऑफ द डे यानी कि आज के दिन का, ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सेकेंड एप्लीकेशन का नाम है रमज़ान मुबारक HD वॉलपेपर। तो ये एप्लीकेशन ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के वॉलपेपर के लिए है। आप अपने फ़ोन पर इस ऐप की मदद से अपने वॉलपेपर अच्छे अच्छे जहाँ आपको वॉलपेपर मिल जाएंगे, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। तो ये देखिए, आप वॉलपेपर आपको यहाँ से काफ़ी सारे आपको वॉलपेपर मिल जाएंगे। ये देखिए, वो भी HD क्वालिटी में आपको यहाँ से रमज़ान मुबारक के रिलेटेड आपको वॉलपेपर मिल जाएंगे। इनको आप इजी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखें, इसको आप ये देखें प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेट वॉलपेपर आपका लग जाएगा। उसके बाद आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के वॉलपेपर्स के लिए है। ये देखें, आपको HD क्वालिटी में और अच्छे अच्छे वॉलपेपर मिल रहे हैं रमज़ान मुबारक के रिलेटेड। रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम, सब आपको यहाँ से वॉलपेपर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम है रमज़ान 2022। तो इसको भी देखते हैं, इस एप्लीकेशन में आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये देखें, इस एप्लीकेशन की मदद से आप नमाज के टाइम्स देख सकते हैं। इसके अलावा आप सहरी और अफ्तारी का टाइम वगैरह भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कैलेंडर भी मिल जाएगा। यहाँ से आप पूरे रमज़ान के सहरी और अफ्तारी का टाइम वगैरह देख सकते हैं, किस तरीक को कौन सा रोज़ा होगा ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको दुआएं मिल जाएंगी। अक्सर लोग पूछते हैं कि रमज़ान मुबारक में कौन कौन सी दुआएं पढ़ें, तो यहाँ से आपको दुआएं भी मिल जाएंगी रमज़ान मुबारक में जो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको अल्लाह ताला के नाम मिल जाएंगे 99, ये देखें, इनको भी आप पढ़ सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो एप्लीकेशन आप रमज़ान मुबारक के स्टिकर्स वगैरह, उसके अलावा आप ईद मुबारक, ईद के भी स्टिकर वगैरह यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए फिर इसको भी ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ ये एप्लीकेशन किस तरह का है। तो ये देख सकते हैं, जहाँ आपको रमज़ान मुबारक के रिलेटेड स्टिकर्स मिल जाएंगे,
जिनको आप अपने व्हाट्सएप पर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फादर डे स्टिकर्स जो मिल जाएंगे, गुड मॉर्निंग के आपको स्टिकर वगैरह मिल जाएंगे, मदर डे, उसके अलावा कोरोना के आपको स्टिकर वगैरह मिल जाएंगे। तो इनको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप उनको अपने व्हाट्सएप में यूज़ कर सकते हैं, ये आपके व्हाट्सएप में आ जाएंगे। ये देखें, ऐड टू व्हाट्सएप आप करेंगे तो यहाँ से आप अपने व्हाट्सएप में इसको ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट एप्लीकेशन का नाम है रमज़ान मुबारक फ़ोटो फ्रेम। तो इस एप्लीकेशन को आप अपने डीपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने फेसबुक की डीपी के लिए, इसके अलावा व्हाट्सएप की डीपी के लिए, इंस्टाग्राम की डीपी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको भी ओपन करते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि आपके सामने काफ़ी सारे फ्रेम आ गए हैं रमज़ान मुबारक के रिलेटेड, जो कि मैंने बनाए हैं। आपने जस्ट अपने इमेजेस में लगानी है, अपने फ़ोटोज़ में लगानी है और आपका ये बन जाएगा, डीपी बन जाएगी। इस डीपी को आप अपने व्हाट्सएप पर यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप स्टेटस वगैरह भी लगा सकते हैं। HD क्वालिटी में आप यहाँ से अपना देखते हैं, आपने जस्ट अपना फ़ोटो लगानी है और उसके अलावा आप इसके बाद आपकी डीपी बन जाएगी। देखिए, कैमरे की मदद से आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं, इसके अलावा आप गैलरी से भी अपनी फ़ोटो इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद आपने इसको एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट करने के बाद आपने इसको एडजस्ट डाउनलोड करके इसको आप अपनी डीपी भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक कर दें। इस तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।